इंडिया माई मदरलैंड। स्टूडेंट्स, यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड द एक्सटेंट ऑफ आर कंट्री, द नेबर्स ऑफ आर कंट्री, इट्स लोकेशन ऑन द ग्लोब एंड नॉर्दर्न माउंटेन्स एंड नॉर्दर्न प्लेन्स। टुडे वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द डेजर्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट। डेजर्ट, डेजर्ट इज अ रॉकी एंड सैंडी एरिया एंड इन आर कंट्री इट इज थार डेजर्ट। इट इज इन राजस्थान, ठीक है, और एट द वेस्टर्न डायरेक्शन। ठीक, इंडिया के वेस्ट साइड में राजस्थान में थार डेजर्ट्स हैं एंड इट इज अ सैंडी एंड रॉकी एरिया, कवर्स अ लार्ज पार्ट ऑफ राजस्थान। टू द वेस्ट ऑफ द अरावली माउंटेन रेंजेस, अरावली माउंटेन रेंजेस वी हैव डिस्कस्ड इन आर लास्ट वीडियो, और अरावली माउंटेन से वेस्ट साइड में थार डेजर्ट है। इट इज एन एरिड लैंड, इट हैज हाई टेम्परेचर एंड लिटल एनुअल रेनफॉल। द टेम्परेचर रिमेन्स हाई और यहाँ का जो रेनफॉल है वो बहुत कम है। इट हैज स्केंटी नेचुरल वेजिटेशन, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पर सैंड ही सैंड है और बहुत दूर कहीं कोई ट्री है, वन और टू ट्रीज आर देयर। एंड सेम इन द अनदर, रॉकी एरिया है और वहाँ पर कैक्टस हमें विजिबल हो रहे हैं। ठीक, तो कैक्टस एंड एकेशिया आर द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ दैट एरिया ड्यू टू लेस रेनफॉल। वेजिटेशन कहाँ ग्रो होती है? जहाँ ज़्यादा रेनफॉल हो। ओके, तो अब डेजर्ट एरिया में लेस रेनफॉल है तो वहाँ पर वेजिटेशन भी ग्रो नहीं करती है। ओके, सो इन आर कंट्री वी हैव डेजर्ट इन राजस्थान। क्लियर? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ग्रेट प्लेट्यूज। हेयर आर द प्लेट्यूज, प्लेट्यूज आर द हाई लैंड मास। ओके, ये कॉमन प्लेन एरिया से हायर एरिया होता है और इट इज़ लुक लाइक अ टेबल लैंड। यू कैन सी इट डजेंट हैव अ पीक, यहाँ पर कोई भी पीक नहीं है, इस तरह से नहीं है ये एरिया, इट इज़ लाइक अ टेबल। ठीक है, अगर हम इसकी शेप देखें तो ये एक टेबल की तरह है। सो इट इज हाई लैंड बट इट इज इट लुक्स लाइक अ टेबल एंड इन आर कंट्री वी हैव ग्रेट पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू मीन्स एन एरिया दैट इज सराउंडिंग बाय द वाटर बॉडीज फ्रॉम द थ्री साइड्स, वो पेनिनसुलर होता है। ठीक है, नाउ यू कैन सी इन दिस मैप, जो हमारा साउथ एरिया है इंडिया का, वो थ्री पार्ट्स में ओशन से कवर्ड है, सराउंडिंग है। ओके, ओशंस आर बार हैं और थ्री साइड्स हैं, हेयर अरेबियन सी, हेयर बे ऑफ बंगाल एंड इन द सदर्न पार्ट देयर इज इंडियन ओशन। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों साइड से जो लैंड एरिया है उसे ओशंस ने कवर किया हुआ है, चारों तरफ से, तीनों तरफ से, सॉरी। ओके, सो दिस इज कॉल्ड ग्रेट पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड इट इज इन द साउथ ऑफ ग्रेट प्लेन्स। वेयर आर प्लेन्स? प्लेन्स किस एरिया में है? नॉर्दर्न एरिया। ओके, ये जो नॉर्दर्न एरिया है
यहाँ पर प्लेन्स हैं और इसके साउथ में हमारे पास प्लेट्यू है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। इट्स नॉर्दर्न पार्ट इज नोन एज सेंट्रल हाईलैंड। इस प्लेट्यू का ये साउथ है तो इसका नॉर्दर्न पार्ट ये एरिया इट इज कॉल्ड सेंट्रल हाईलैंड एंड इट कंप्राइजेस ऑफ अरावली माउंटेन। हेयर इज अरावली माउंटेन, इसमें अरावली माउंटेन को इंक्लूड किया जाता है, विंध्या माउंटेन को, छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड सतपुड़ा, ये सभी माउंटेन रेंजेस और प्लेट्यूज किसमें इंक्लूड किए जाते हैं, सेंट्रल हाईलैंड। जो सेंट्रल प्लेट्यू एरिया है, हाईलैंड एरिया है, उसमें हम अरावली, विंध्या और छोटा नागपुर एरिया कवर करते हैं। नर्मदा एंड तापी रिवर लेइंग टू द साउथ ऑफ विंध्यास फ्लो वेस्टवर्ड इन द अरेबियन सी। यहाँ विंध्या माउंटेन के पास आपको एक ब्लू कलर की लाइन विजिबल हो रही है बेटा, राइट, जो विंध्या के नीचे है दैट इज नर्मदा, और जो सतपुड़ा के नीचे है यहाँ पर ये दिस लाइन इज शोइंग यू द तापी रिवर। ओके, ये जो ब्लू कलर की लाइंस आपको विजिबल हो रही हैं ये लाइंस नहीं है, दीज आर डिफरेंट रिवर्स। ओके, ये बिल्कुल जो स्मॉल लाइंस हैं, बिल्कुल थिन लाइंस हैं, वो हमें रिवर्स को शो कर रही हैं। तो नर्मदा और तापी जो है वो विंध्या माउंटेन के वेस्ट में आते हैं। ओके, द सदर्न पार्ट ऑफ प्लेट्यू इज कॉल्ड डेकन प्लेट्यू। इट इज रिटन हेयर ऑल्सो कि सेंट्रल हाईलैंड के साउथ में जो पार्ट है वो डेकन प्लेट्यू है। ओके, और ये ट्रायंगुलर शेप का है, इसमें वेस्टर्न घाट्स हेयर, वेस्ट साइड पर वेस्टर्न घाट्स हैं और ईस्टर्न साइड पर ईस्टर्न घाट्स हैं। ओके, वेस्टर्न घाट्स रन अलोंग द कोस्ट ऑफ अरेबियन सी, द ईस्टर्न घाट्स रन अलोंग द कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल। वेस्टर्न घाट्स अरेबियन सी के साथ साथ चल रहे हैं, उसके कोस्ट के किनारे के साथ साथ हैं, और ईस्टर्न घाट्स जो हैं वो बे ऑफ बंगाल के किनारे के साथ साथ मूव चल रहे हैं, मतलब वहाँ पर हैं। ठीक है, दीज माउंटेन्स आर कट बाय रिवर्स एट सेवरल प्लेसेस। यू कैन सी इन ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट जो है ये आपको जगह जगह से कट दिख रहा है। ठीक है, और ये किसने कट किया है, रिवर्स ने। ओके, जो माउंटेन है वो कुछ डिस्टेंस के बाद कट है उनमें, और वो रिवर्स ने कट किए हैं। क्लियर, द एंटायर प्लेट्यू रीजन इज रिच इन मिनरल्स। जो डेकन प्लेट्यू है या दूसरे प्लेट्यू एरियाज भी हैं, छोटा नागपुर एरिया और सेंट्रल हाईलैंड, ये सब मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, दीज आर रिच इन मिनरल्स। ओके, कोल, गोल्ड, इस टाइप के जो मिनरल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं डेकन प्लेट्यू में और अदर प्लेट्यू एरियाज में। ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ग्रेट प्लेट्यू ऑफ आर कंट्री, that is known as peninsular plateau. Okay, next is coastal plains. Coastal plains, you can see here the sea coast. ठीक है, sea के पास का area coastal plains होता है। यहाँ पर आपको पिक्चर में शो किया गया है सी कोस्ट। ठीक, और ये एरिया फॉरेस्ट ने कवर किया है तो दैट इज कोस्टल प्लेन्स। एंड हेयर इन द मैप यू कैन सी जो डार्क ब्लैक लाइन है दैट शोज अस द कोस्टल एरियाज। ठीक है, ये ब्लैक लाइन आपको कोस्टल प्लेन्स शो कर रही हैं। In this we will discuss eastern coast first. हम पहले eastern coastal plains को
रीड करेंगे। हेयर इज ईस्टर्न साइड पे, ये जो एरिया है ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। ओके, दिस एरिया, दिस ग्रीन एरिया इज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, क्योंकि ये ईस्ट साइड पर है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। दीज आर ब्रॉडर एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। जो वेस्ट साइड का एरिया है वो बहुत थिन एरिया शो कर रहा है और यहाँ पर ईस्टर्न साइड में बहुत थिक ग्रीन कलर है। ठीक है, तो ये शो करता है कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो हैं वो बहुत ब्रॉड हैं, बहुत बड़े हैं, चौड़े हैं। ओके, और यहाँ से रिवर्स मूव करती हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये रिवर्स हैं, और ये रिवर्स डेल्टा फॉर्म करती हैं बिफोर फॉलिंग इन टू बे ऑफ बंगाल। कोई भी रिवर जब सी में मर्ज होती है तो अपने माउथ पर, यानी कि जो लास्ट पॉइंट है उसका, वहां पर वो डेल्टा फॉर्म करती है। ठीक है, तो महानदी, गोदावरी और कृष्णा कावेरी, ये सभी रिवर्स अपने एंडिंग पॉइंट से पहले डेल्टा फॉर्म करती हैं। दीज रिवर्स फॉर्म डेल्टास एट देयर माउथ बिफोर फॉलिंग इन टू द बे ऑफ बंगाल। कोस्टल प्लेन्स आर फर्टाइल एंड डेंसली पॉपुलेटेड, ये थिक हैं और ब्रॉड हैं, एंड दीज कोस्टल प्लेन्स आर फर्टाइल, क्योंकि यहाँ पर डेल्टास फॉर्म कर रही हैं, रिवर्स सेडिमेंट सिल्ट्स को डिपॉजिट कर रही हैं इन एरियाज में, तो ये एरियाज फर्टाइल भी हैं और फर्टाइल एरिया में पॉपुलेशन भी ज़्यादा होती है, तो इन एरियाज में बहुत हाई पॉपुलेशन है। ओके, द नॉर्दर्न पार्ट इज नोन एज नॉर्दर्न सर्कस, जो ये ईस्टर्न कोस्ट का नॉर्दर्न पार्ट है इसे नॉर्दर्न सर्कस कहते हैं, और ये जो सदर्न पार्ट आ जा रहा है दिस इज कॉल्ड कोरोमंडल कोस्ट। ओके, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज नोन एज नॉर्दर्न सर्कस, और नीचे जो सदर्न पार्ट है इट इज नोन एज कोरोमंडल कोस्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। एज द नेम शोज दीज आर इन वेस्टर्न साइड ऑफ आर कंट्री, तो ये वेस्ट में है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। दीज प्लेन्स आर अनइवन, नैरो एंड रॉकी, ये प्लेन्स नैरो हैं, बहुत कम चौड़े हैं ये। ठीक है, रॉकी हैं, यहाँ पर रॉक्स ज़्यादा हैं। ओके, सो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दीज प्लेन्स आर नोन एज कोंकण, वाइल द सदर्न पार्ट इज नोन एज मालाबार हिल्स। हेयर यू कैन सी इन दिस मैप, जो नॉर्दर्न पार्ट है वो कोंकण कोस्ट है। ठीक है, और जो सदर्न पार्ट है, नीचे का एरिया है, दैट इज मालाबार कोस्ट। ठीक है, इसे भी टू पार्ट्स में ही डिवाइड किया गया, नॉर्दर्न और सदर्न। तो नॉर्दर्न पार्ट को वेस्टर्न प्लेन्स के नॉर्दर्न पार्ट को कोंकण एरिया कहा गया है और सदर्न पार्ट को मालाबार कोस्ट कहा गया है। ओके, इन एरियाज में ज़्यादा बिग रिवर्स नहीं हैं। ओके, यहाँ पर स्मॉल रिवर्स हैं एंड वो अपने माउथ पर डेल्टा फॉर्म नहीं करती हैं, दे फॉर्म एस्चुरीज। ओके, सो वेस्टर्न घाट से वो अरेबियन सी में मर्ज हो जाती हैं एंड हेयर दे फॉर्म एस्चुरीज, वो डेल्टा फॉर्म नहीं करती हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट द ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। The western coastal plain are narrow, uneven and rocky. Small river rising from western ghat flow swiftly in the sea. Some of them form estuaries and northern part of this plain is called the Konkan while the southern part is known as Malabar coast. Okay, now next is island. Islands are the area लैंड एरिया दैट इज सराउंडिंग बाय सी और वाटर बॉडी। ठीक है,
ठीक है, वो एरिया, वो छोटा सा स्मॉल लैंड एरिया जो हर तरफ से वाटर से सराउंडेड है, वाटर से घिरा हुआ है। ओके, हेयर यू कैन सी टू पिक्चर्स ऑफ आइलैंड्स। दीज आर द पिक्चर्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इट इज़ अ गिटार शेप्ड आइलैंड। ओके, तो अलग अलग शेप के आइलैंड्स हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको दो पिक्चर्स शो की हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द आइलैंड्स। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एक्सटेंडेड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन लाई इन बे ऑफ बंगाल। जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ एक्सटेंड हो रहे हैं। ठीक है, एंड दीज आइलैंड्स आर इन बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में ये आइलैंड्स हैं। ओके, एंड ऑन द अदर हैंड लक्षद्वीप लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला एंड अरेबियन सी। जो लक्षद्वीप हैं वो अरेबियन सी में है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स बे ऑफ बंगाल में है। ओके, नाउ अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो हैं वो सबमर्ज हिल का अपर पार्ट है। वो हिल्स जो वाटर में सबमर्ज हो गई हैं उनका अपर पार्ट हमें दिख रहा है, तो वो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं। दे आर लार्ज इन साइज एंड सम ऑफ देम आर ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन। वहाँ पर वोल्केनो है, हमारे इंडिया में अंडमान निकोबार आइलैंड ही है जहाँ पर एक्टिव वोल्केनो है। और वैसे तो ये कहा जाता है कि वो सबमर्ज्ड हिल्स का अपर पार्ट है, बट सम ऑफ देम आर ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन। उनमें से कुछ वोल्केनिक ओरिजिन के कारण बने हैं। ओके, एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स, जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं वो अरेबियन सी में हैं, एंड दे आर स्मॉल इन साइज। वो बहुत छोटे हैं, मतलब अंडमान निकोबार के कंपैरेटिवली वो बहुत छोटे हैं साइज में। एंड दे हैव बीन फॉर्म्ड बाय कोरल पॉलिपस। अब कोरल पॉलिपस क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैच्ड टू द रॉक दैट फ्लोरिशेस इन शैलो एंड वार्म वाटर। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जो वाटर के अंदर का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, छोटे छोटे जो भी लिविंग थिंग्स हैं वहाँ पर, वो रॉक्स के ऊपर अटैच हो जाती हैं। ओके, तो उसे हम कोरल पॉलिपस कहते हैं। तो लक्षद्वीप जो हैं वो किससे फॉर्म हुए हैं? कोरल पॉलिपस से, यानी कि जो रॉक्स के ऊपर ऑर्गेनिज्म अटैच होता गया तो उससे ये आइलैंड्स फॉर्म हुए। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑफ आर कंट्री। अलग अलग लैंडफॉर्म्स हैं हमारे पास, डेजर्ट है, कोस्टल प्लेन्स हैं और आइलैंड्स हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स, हिमालय माउंटेन्स। दीज आर द डिफरेंट लैंडफॉर्म्स एंड दीज डिफरेंट लैंडफॉर्म्स आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं वो सोर्स ऑफ वाटर हैं और सोर्स ऑफ फूड है, वहाँ पर एग्रीकल्चर वर्क बहुत ज़्यादा होता है। ओके, सॉरी, नॉर्दर्न माउंटेन्स मेजर सोर्स ऑफ वाटर है। ओके, और नॉर्दर्न प्लेन्स हमें फूड प्रोवाइड करता है। एंड जो कोस्टल एरियाज हैं या हिली एरियाज हैं वो टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं, टूरिज्म के लिए हेल्पफुल हैं। एंड मिनरल्स आर रिच इन प्लेटोज आर रिच इन मिनरल्स।